भाई अब दिखा देता हूँ आपको जिसका बेसब्री से आपका इंतजार था। देखो जो हमारा टॉप मॉडल वाला अमरीश आता है ना, एक्सेसरी वाला नहीं भाई, टॉप मॉडल वाला। ये देखो इससे आपको पता चलेगा टॉप मॉडल वाला है या नहीं। देखो अलॉय व्हील है, एक जो बढ़िया मिंडा कंपनी की अलॉय व्हील है, मिंडा की फॉग लाइट है, उसके अंदर एलईडी होती है, वो लगी है नॉर्मली। इसका भी रिस्पॉन्स चेक कराऊंगा। हेडलाइट की बात करूँ, हेडलाइट में जो आपको कंपनी की तरफ से प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, इसमें एचआईडी लगी है, ये एक प्रॉपर तरीके से है, इसका भी आपको मैं रिस्पॉन्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। मैं कृष्ण तिवारी ऑटो इनी के एक नई वीडियो में आज फिर से आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और मेरे पीछे आप देख रहे हो हमारी जो नई बलिनो है, जिसके आप सभी और मैं खुद भी इतना ज्यादा फैन हो गया हूँ। बिल्ड क्वालिटी कंपनी ने इतना शानदार निकाला है पुरानी बलिनो से, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जो फीचर्स दिए हैं वो इतने शानदार दिए हैं। तो उसके अंदर आज जो बेस मॉडल है उसको पूरा टॉप मॉडल में हमने बनाया है, ए टू जेड। चाहे मैं अलॉय व्हील की बात करूँ, चाहे मैं सिस्टम की बात करूँ, चाहे मैं पूरा म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ, एक नेक्स्ट लेवल पे म्यूजिक सिस्टम जो मॉडिफाई आप कहते हो ना, मॉडिफाई गाड़ी की, वो पूरा सारा काम हुआ है। तो इस वीडियो में आपको हर चीज पता चलने वाला है, हर चीज पता लगने वाला है। तो चलते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं और प्लस लास्ट में भी देखेंगे टोटल कितनी कॉस्टिंग आई थी। ORVM तक जो ऑटो फोल्ड लाते हैं हर चीज आपको देखने को मिलेगा म्यूजिक सिस्टम में। चाहे मैं पीछे बेस की बात करूँ, कितना हैवी बेस लगा है, JBL के जो बूफर होता है JBL का, वो इसमें इंक्लूड हुआ है। तो हर चीज आपको दिखाने वाला हूँ। चलते हैं गाड़ी की तरफ और जानते हैं सारा काम कैसा है, कितनी प्राइसिंग आई, किस क्वालिटी में हुआ। यहाँ पे हमारी जो न्यू बलिनो है ये खड़ी है, आप देख पा रहे हो अच्छे से, और ये सारा काम हुआ है भाई अपने ऑटो यूनिक पे। जैसा आप अच्छे से देख पाओगे, मैं एड्रेस भी बता देता हूँ आने का। आप यहाँ से ना हनुमान मूर्ति से अंदर की तरफ आओगे, जो हमारी 108 फीट वाली हनुमान मूर्ति है, वहाँ से आप अंदर आओगे। यहाँ पे ना लास्ट में आपको पिलर नंबर 93 मिलेगा, आपको मेट्रो पिलर नंबर। मेट्रो के नीचे नीचे आप आइए अंदर मार्केट में ना, देखो इधर से आओगे तो इधर पड़ेगा, जो मार्केट की तरफ से आओगे PNB बैंक पड़ेगा, और इधर से आओगे ना तो नॉर्मली आपको मेट्रो के पिलर के नीचे नीचे आओ, हनुमान मूर्ति यहाँ पे इधर सामने पड़ेगा, यहाँ से अंदर मार्केट की तरफ रास्ता जाता है, इधर अंदर ना नीचे मेट्रो के पिलर नंबर। आप यहाँ से ना देखो, ये जैसे एंटर किए वैसे फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट शॉप अपनी है भाई। तो आपने यहाँ पे पूरा अंदर भीड़ में जाने से पहले बच जाओगे, सिर्फ मेट्रो से हनुमान मूर्ति से, और यहाँ पे अंदर आते आते ही 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है, इतना भीड़ होता है। तो सिंपली ये बोलूँगा कि भाई इधर से आओ और प्रॉपर तरीके से सारा काम आप करा के जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, दिल्ली नंबर प्लेट गाड़ी है हमारी। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको दिख रही होगी प्रॉपर, आप भी जो रिफ्लेक्टर लाइट होती है, रिफ्लेक्टर लाइट इसमें लगी है, टेलगेट क्रोम होता है, टेलगेट क्रोम इसमें लगा है, जिसको डिक्की पत्ती बोलते हैं। और ये जो चीज़ें ना भाई, नेक्सा ओरिजिनल ही लगी है, और आपको भी ये रिकमेंड करूँगा नेक्सा ओरिजिनल लगवाओ भाई। ऑटो यूनिक आपको 20 से 25%, कई चीज़ों में 20 है, कई चीज़ों में 25 है, तो 20 से 25% डिस्काउंट देता है, तो भाई आफ्टर मार्केट चीज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इमेजिन करो ना, 540 रुपये का 25% डिस्काउंट मिल गया तो कितने का पड़ा, 400 कुछ रुपये का पड़ा, लगभग 390 के आसपास पड़ा, तो क्यों आप फिर भाई आफ्टर मार्केट लगाओगे। तो ये चीज़ है। इसके बाद नीचे की तरफ देखो, अलॉय व्हील है, एक जो बढ़िया मिंडा कंपनी के अलॉय व्हील है, और शानदार अलॉय व्हील है। ये लगा के ना गाड़ी का पूरा लुक ही चेंज हो गया है, अल्टीमेट पूरा लुक आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे छोटी सी चीज़ें, एक डोर गार्ड ये इंस्टॉल हुए हैं, हैंडल क्रोम इंस्टॉल हुए हैं, नेक्सा जेन्युइन जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सेम हैंडल क्रोम है। नीचे की तरफ देखोगे इस जो साइड बिटिंग होती है, और इस कलर के साथ ना पूरा मैच हो रहा है साइड बिटिंग के बाद में पूरा गाड़ी का लुक ही पूरा चेंज हो गया भाई। तो ये देख सकते हो पूरा साइड बिटिंग इसमें इंस्टॉल हुआ है, ऊपर की तरफ डोर वाइजर इंस्टॉल हुआ है। और इस गाड़ी को रेडी करने में भाई मैं सच बताऊं 2 दिन का टाइम लग गया है, क्योंकि कुछ नेक्स्ट लेवल तक इस गाड़ी में काम हुआ है। ORVM का काम, कुछ काम जो छूटा था वो आज हुआ है, बाकी काम ये हो गया था 2 दिन पहले हो गया था, तो भैया आज दोबारा आए हैं। इसके बाद नीचे देखो कितना बढ़िया लग रहा है, अभी फेंडर भैया ने चेंज नहीं कराया है, इसमें भी आपको कराना है, पर वो थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम कराएंगे। जो नॉर्मल आता है फेंडर, हमने दूसरी वीडियो में भी दिखाया हुआ है, आप वो चेंज करा सकते हो। इसके बाद भाई हमने दूसरी वीडियो में ही, या फिर आप जाके भी देख सकते हो, मिश्रा ब्लॉग नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है भाई का, उस पर आप देखोगे हमने इसकी जो हेडलाइट है, टॉप मॉडल वाली हेडलाइट भी चेंज करा दी है, बट इसमें जो है DRL लगे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे ही मैंने गाड़ी को अनलॉक किया, ये देखो DRL किस तरीके से जल गए इसके। तो ये देखो दोबारा लॉक करूँगा, ये देखो DRL इसके जल गए। नॉर्मली ये वाइट रहते हैं, तो इस तरीके से कोई DRL। नीचे की तरफ जो मिंडा की फॉग लाइट है उसके अंदर LED होती है, वो लगी है नॉर्मली। इसका भी रिस्पॉन्स चेक कराऊंगा। हेडलाइट की बात करूँ, हेडलाइट में जो आपको कंपनी की तरफ से प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, इसमें HID लगी है, ये एक प्रॉपर तरीके से है, इसका भी आपको मैं रिस्पॉन्स चेक कराऊंगा। इसके बाद देखो ये पूरा जो है ना भाई, ये नेक्सा जेन्युइन ही मिलता है, और ये छोटी छोटी चीज़ों से ना गाड़ी का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है, देखो कितना बढ़िया सामने से लुक लग रहा है। इसके बाद ये जो ग्रिल है पूरी, ये ग्रिल भी टॉप मॉडल वाली लगी है। यहाँ पे देखो कैमरे का पूरा जो होल है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और पूरा जो क्रोम वाली ग्रिल है ना भाई, पूरी प्रॉपर ग्रिल प्रॉपर के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पूरा
पूरा काम, हर चीज़, एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से हर चीज़। उसके बाद यहाँ पे आप देखो कैसे मतलब इंडिकेटर ना अल्टीमेट पूरा काम कर रहे हैं यहाँ पे, पूरे इंडिकेटर जो है यहाँ पे, ये भी ऑन करके आपको दिखाऊंगा किस तरीके से है यहाँ पे। इसके बाद एक चीज़ और दिखा दूँ, ऑटो फोल्ड ORVM, ऑटो फोल्ड जो मिरर है इसमें वो इंस्टॉल हुए हैं। पर मैं लॉक करके दिखाता हूँ, देखो सिंपल ही हो गए लॉक। और ये आप डेल्टा वगैरह मॉडल में आप देखोगे ना तो ये भाई चाबी से ना बाहर लॉक नहीं होते हैं, अंदर से जरूर आपको सुन जाता है पर चाबी से नहीं होते हैं। पर देखो कितना आसानी से सिंपल ये लॉक हो रहे हैं, मुश्किल से आधे सेकंड का टाइम भी नहीं लगता और ये अनलॉक लॉक हो जाती है। देखो जैसे ही मैंने लॉक किया लॉक हो गए, अनलॉक किया अनलॉक हो गए, आधे सेकंड का टाइम भी नहीं लगता। तो बाहर से कुछ इस तरीके से गाड़ी का काम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बाहर काम हुआ है वो अलॉय व्हील में हुआ है। और अंदर की तरफ दिखाऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो अंदर की तरफ जो काम हुआ है वो सीट का और इसका म्यूजिक सिस्टम है, वो दोनों काम हुआ है। और भाई ये ORVM का काम भी भाई रियली में अल्टीमेट है, किस तरीके से देखो आधे सेकंड में प्रॉपर हो जाते हैं, तो ये बढ़िया चीज़ है। इसके बाद बता दूं भाई जो टॉप मॉडल में आपको एक चीज़ मिलती है ना, यहाँ से पूरा ये वाला पार्ट जो क्रोम मिलता है ये आप चेंज करा सकते हो। ये भाई अपने पास अवेलेबल है, बहुत सारी गाड़ियों में लगाया भी है, आप जब चाहो तब वो करा भी सकते हो। ठीक है भाई, अलॉय व्हील की अगर बात करें भैया ने 17 इंच लगाए हैं, ऑप्शन होता है आप 15 इंच से लेके 16, 17 जो आप कराना चाहो 17 आप करा सकते हो। और बहुत से लोगों का ना भाई क्वेश्चन होता है कि यार 17 इंच लगवा तो लें, पर ये ना ये देखो ये साइड साइड में ये सही चलेंगे, बिल्कुल सही है। देखो पूरा स्पेस आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी देखो, तो कोई दिक्कत नहीं होता 17 इंच में भी आप इजीली, ज़्यादा तो नहीं मतलब सही है, थोड़ा सा कम हो गया स्पेस पर सही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब चलते हैं अंदर और जानते हैं अंदर क्या क्या काम हुआ है किस तरीके से। तो मैंने ऑटो अनलॉक कर दिया है गाड़ी को, अब देखते हैं अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ अगर बात करें तो भाई सच बता रहा हूँ, अंदर इस गाड़ी को देख के ना पूरा मज़ा आने वाला है आपको, क्या क्या काम हुआ है वो दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पूरा कुशनिंग में जैसे आपको टॉप मॉडल मिलता है वो पूरा, इसके ऊपर भी देखो मैं हाथ रखूँगा ना, ये देखो मैं इजीली आपको दिखा पाऊंगा, यहाँ पे पूरा फोमिंग है इसके अंदर जो कुशनिंग होता है वो करके पूरा पूरा लेदराइट किया गया है। यहाँ पे देखो पूरा फिनिशिंग के साथ सारा काम जो होता है, यहाँ देखो पूरा फिनिशिंग के साथ जो काम होता है। और सबसे बड़ी बात जो सीट कवर का कपड़ा है ना, जो हमारा थाईलैंड वाला कपड़ा है, उसी कपड़े में आपको ये किया गया है, तो ये बढ़िया चीज़ है। यहाँ वाला पूरा पोर्शन, फिर यहाँ वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा काम किया गया। और ये काम भैया ने 3 दिन पहले जब आए थे हमारे पास तब करा गए थे भैया, उस दिन पूरी वीडियोज़ नहीं बन पाई थी, रात हो गई थी, तो आज एक दो काम था जैसे ऑटो फोल्ड कराना था भैया को, एक दो काम और था वो कराने आज आ गए, तो आज मैं आपको पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। फिर बेस मॉडल में देखो ये नहीं मिलता आपको, तो ये पूरा रिवर्स का चेंज हो गया है, इसमें देखो पूरा लॉक अनलॉक के साथ आपको देखने को मिल जाता है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। इसके बाद इसकी एक स्टाइलिंग किट आती है देखो ये वाली, और ये कंपनी की ओरिजिनल ही आती है, ये आफ्टर मार्केट आपको भाई नहीं मिल पाती, नहीं मिल सकती। तो ये पूरी किट चेंज हुई है, इसमें 9 पैनल आते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ, एक देखो दो, इसके बाद ऐसे 4 डोर में, यानी कि 4 इजीली समझ जाओगे, 4 डोर में यानी कि 4, फिर यहाँ पे एक है 5, एक देन इस साइड में 6, एक ये और एक उधर की साइड है 6, 2, 8 और एक भाई ये स्टूडियो। अब स्टूडियो पे भी ना आता ही 7 इंच का है, पर ये भाई इसको पूरा 9 इंच बना के पूरा किया गया है। और एक बार देखो मैं हिला के भी दिखा देता हूँ, पूरा हिल के मतलब कहीं से ना कहीं हिलने वाला नहीं है, कोई गैप नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई जुगाड़ किया गया है, प्रॉपर जो काम होता है ना पूरा वो काम है। मैं हर जगह से दिखा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कहीं से छूट रहा है, चारों जगह से, यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखो भाई चारों जगह से दिखा रहा हूँ, कहीं से छूटती ना, प्रॉपर जो काम होता है ना वो काम किया गया है। तो ये 9 पीस की जो स्टाइलिंग किट आती है पूरी किट इंस्टॉल हुई है। अब इसके बाद लेके चलता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है अपना सीट कवर का, वो सीट कवर दिखाता हूँ कि किस तरीके से सीट कवर में हुआ है। थाईलैंड वाला जो हमारा कपड़ा है ना उस कपड़े में सारा काम है, और थाईलैंड वाले कपड़े के साथ साथ लाइफ टाइम आपको जो वारंटी मिलती है वो, और भैया ने ना कुछ अलग ही डिज़ाइन अपने हिसाब से बनवाया हुआ है, देखने को ही मिल रहा होगा यहाँ पे। देखो बड़ी बर्फी है, फिर छोटी बर्फी है, हर चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रहा होगा। देखो कितना बढ़िया सीट कवर की फिटिंग देखो, और ये काम आज नहीं हुआ है भाई, 3 दिन पहले हुआ है। अभी भैया एक टूर दिल्ली किसी बाहर ले जा चुके हैं गाड़ी को जब से, और पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितना अल्टीमेट पूरा लग रहा है। डबल स्टिचिंग में यहाँ पे दिया गया है, फिर आप देखो पूरा डिज़ाइन ही कुछ अलग है, ये भी इन्हें खुद उस टाइम पे आके और कस्टमाइज़ करा के पूरे सीट कवर बनवाए थे। पूरे सीट कवर बनवाए थे और पूरा अल्टीमेट पूरा मज़ा आ गया काम देख के, स्पेशली सीट कवर का काम देख के। देखो ड्राइवर सीट भी देखो कितना अच्छी तरीके से पूरा ड्राइवर सीट का काम हुआ है। नीचे की तरफ बात करूँ भाई, नीचे पूरी पहले फ्लोरिंग हुई है यहाँ पे, देखो अभी भैया की आपको पता लग रहा होगा 3 दिन पहले का काम है, थोड़े मिट्टी उट्टी भी आ चुके हैं, पर मिट्टी से फायदा ये है इसके नीचे जो कारपेट होता है ना वो कारपेट में मिट्टी नहीं लगती, पानी नहीं लगता, आपका कुछ भी चीज़ गिरता नहीं है। इसके ऊपर जो हमारे GFX के मैट हैं, ये देखो GFX कंपनी है, इसके जो मैट हैं जो प्रॉपर पूरा कवर कर लेता है, पूरे मैट इसमें डल चुके हैं, यहाँ भी दिखा देता हूँ, देखो पूरा
पूरा आगे से लेके, हर चीज पूरा आगे से लेके, देखो वहां पे जैसा शेप है, यहाँ पे जैसा शेप है, इसके बाद इधर की साइड जैसा शेप है भाई, पूरा कवर करके रखा हुआ है। तो ये एक बढ़िया चीज है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, पीछे की तरफ जो सीट है वो सीट भी दिखाता हूँ, कितनी फिनिशिंग है, हर चीज आपको दिखाता हूँ। भैया ने थोड़ा सा कूड़ा भी ज्यादा कर रखा है, पर भाई इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप ऐसे मैट रखोगे ना, अगर कूड़ा ज्यादा भी आपकी गाड़ी में, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप रफ टफ यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि नीचे मैट है। देखो आपको ना मैट से, ये नीचे फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग से एक फायदा, सबसे बड़ा फायदा हो जाता है कि आपको गाड़ी को ड्राई क्लीन कराने की जरूरत नहीं होती, तो ये बढ़िया चीज हो जाती है। इसके बाद देखो प्रॉपर पूरा हर चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कहीं कोई रिंकल नहीं, कहीं से कोई अलग, एक एक धागा जो होता है ना, एक एक धागा कोई आपको एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा, एक एक कपड़ा आपको एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा। ये सब रीजन से रिविजिबल वैसे हो पाता है, क्योंकि ऑटो यूनिक की आपको पता है अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा नहीं है कोई थर्ड पार्टी, कोई डीलर या कोई सप्लायर या कोई होलसेलर से आपको सीट को लेके दिया जाता है। आप आओ, आप अपने फोन में गूगल से, यूट्यूब से कहीं से भी डिजाइन लेके आओ, पैटर्न लेके आओ, कपड़ा लेके आओ। कपड़े लेके आने का मतलब जो आप कपड़ा बोलोगे, जिस कपड़े में, जिस जो आपके मन पसंद है, जो आप चाहते हो ना, उसमें आपको करके दिया जाएगा। तो सिर्फ इसी वजह से, यही रीजन है कि यार 3-4 दिन बाद भी ये सीट कवर की कुछ फिटिंग आ रही है। देखो इतना, मतलब रियली में जब आप देखोगे ना, बैठने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि क्या सीट कवर है, क्या पूरा फिनिशिंग है। इसके बाद ये भी दिखाता हूँ, देखो पीछे की तरफ भी पूरा फिनिशिंग के साथ काम है, ऐसा नहीं एक ही डोर दिखा के और अपना काम खत्म है भाई। एक एक डोर, चारों डोर पूरा फिनिशिंग के साथ सारा काम दिखा रहा हूँ, देखो कितना फिनिशिंग के साथ सारा काम है, तो प्रॉपर तरीके से। इसके बाद अभी देखो ये पन्नी भी नहीं हटाई गई है यहाँ से, नीचे की तरफ देखो आप, व्हाइट लाइट में, भैया को व्हाइट लाइट पसंद थी, वेलकम लाइट लगी है जो पीछे की तरफ छोटी आती है, और आगे की तरफ अगर मैं दिखाऊँ, आगे की तरफ थोड़ी सी आपके यहाँ पे बड़ी आ जाती है, ये है। इसके बाद इसके नीचे दिखाऊं, ये देखो एम्पलीफायर भी इंस्टॉल करा रखा है भैया ने, यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहा है, एम्पलीफायर भी इंस्टॉल करा रखा है 4 चैनल का। इसके बाद अगर मैं पीछे बूट की तरफ अगर लेके चलूँ आपको, तो पीछे बूट में पार्सल ट्रे है, प्लस यहाँ पे भैया ने पाइनियर का भैया के पास बॉक्स था, ये आज जो चेंज हुआ है इसके, भैया के ORV में इसमें रख दिए गए हैं। और पार्ट इसके अंदर देखो आप, ये देखो JBL 1500 वाट, JBL का जो 1500 वाट ऊपर वूफर आता है ना भाई, वो इसमें इंस्टॉल है। तो आज ना रियली में मजा आने वाला है, इसका पूरा आवाज सुनाऊंगा, हर चीज सुनाऊंगा किस तरीके से। इसके बाद नीचे की तरफ देखो पूरा जो डिक्की ट्रंक आता है, डिक्की मैट आता है, इसके नीचे भी देखो कितना ज्यादा क्लीन है। रीजन ये, इसके ऊपर इतनी मिट्टी है पर क्लीन है, रीजन ये, जब छोटी छोटी चीजें अपनी गाड़ी में ध्यान रखते हो ना, तो आपकी गाड़ी की लाइफ अपने आप बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ऊपर लाइफ चली जाती है। तो ये एक बढ़िया चीज जो है, जो गाड़ी में हो चुकी है। इसके बाद चलता हूँ आगे की तरफ और साउंड सिस्टम आपको सुनाता हूँ किस तरीके सारा साउंड सिस्टम अंदर की तरफ और अंदर दिखते हैं। जो पूरा यहाँ पे देखो एंड्रॉइड सिस्टम लगा है 9 इंच का, पूरा 9 इंच मैंने आपको फ्रेम भी दिखाया पूरा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, देखो कितना ज्यादा स्मूथ है ये, मैं एक क्लिक करूंगा ना, ये देखो भाई सिंपल सा एक क्लिक करें, होम आ गया, एक क्लिक करें वापस अपना होम पे चले गए, ऐप्स के स्टोर पे चले गए। तो ये है सिंपल सा, देखो कितना ज़्यादा स्मूथ है। तो ये आपको बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। इसके बाद इसमें यहाँ पे ट्विटर इंस्टॉल हुए हैं, और उस टाइम पे जब भैया आए थे हमारे पास कवर था नहीं ट्विटर का, एवटार के ट्विटर लगे हैं, एवटार के ट्विटर के सिर्फ ये जो जाली है ना, ये आपको बाहर देखने को मिल रही है, पूरे ट्विटर आपको अंदर है, देखो पूरा अंदर ट्विटर है। और इसके बाद नीचे की तरफ दिखाऊँ, यहाँ पे कॉम्पोनेंट है, पीछे की तरफ कोएक्सल है, और पीछे मैंने आपको दिखाया 1500 वाट JBL की पेटी पड़ी हुई है पूरी। तो सबका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ, चेक कराता हूँ किस तरीके से। और लास्ट में इसके अंदर जो डैम्पिंग है ना भाई, डैम्पिंग से लेके हर चीज इसमें इंस्टॉल हुई है। तो पूरी प्राइसिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम कितने रुपए में, क्या क्या काम हुआ है। इसके बाद देखो भैया ने यहाँ पे आफ्टर मार्केट स्टेयरिंग कराया है, क्योंकि आपको पता है स्टेयरिंग जो आता है ना भाई, वो यूज आता है, तो उसमें ना हल्के फुल्के, मतलब इतने ज्यादा नहीं, बट कभी कभी कहीं कहीं, वैसे आपको मैक्सिमम टाइम क्लीन मिलता है, पर कहीं कहीं बस निशान आपको लगा मिल जाता है। तो आप भैया ने आफ्टर मार्केट कराया है, जिससे क्या है कि कोई दिक्कत ना आए। इसका देखो स्टेयरिंग जो हुआ है, स्टेयरिंग आप देखोगे पूरा का पूरा, ये देखो पूरा स्टेयरिंग पूरा OEM टाइप सिलाई में पूरा स्टेयरिंग हो चुका है यहाँ पे, ये देखो भाई पूरा स्टेयरिंग OEM टाइप सिलाई में है। और मैं आपको पकड़ के भी दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई पूरा पकड़ के दिखा देता हूँ, प्रॉपर तरीके से पूरा स्टेयरिंग यहाँ पे किया गया है। इसके बाद एक बार जरा इसका साउंड क्वालिटी देखते हैं, और साउंड देखते हैं किस हिसाब से है, कुछ साउंड में है दम, या सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही बोले जा रहा है इतनी देर से, तो वो चेक करते हैं भाई। अभी भी मैंने अपडेट भी नहीं किया, तो भाई वो भी थोड़ा सा कर लेते हैं और जानते हैं किस तरीके से। मतलब दिखा रहा हूँ आपको, पहले जो मैंने दिखाया था ना, वो मैंने थोड़ा सा अकम्प्लीट दिखाया था, जो हमारी आमरेस जो हमारा था अकम्प्लीट दिखाया था। अब जो आमरेस है ना भाई कम्प्लीट है, कम्प्लीट का मतलब ये जो पीछे की साइड आप देख रहे हो पूरा AC के जो ब्लोवर आते हैं ना, ये पूरा आ चुका है, इसका पहले ये नहीं आया था। नीचे की तरफ आप देखोगे पूरा आ चुका है, साइड में आप देखोगे यहाँ पे ये जो लॉक है ना पूरा, ये लॉक आपका वो सिंपल सा वो वाला पैनल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये वाला जो आपका पैनल होता है ना भाई, देखो ये वाला पैनल बीच वाला,
ये पैनल हटके ये पीछे वाला पैनल जो होता है यहाँ से, मैं बता भी देता हूँ आपको कैसे लगता है ये। एक सेकंड दो भाई, आपको पूरा हर चीज की आपको नॉलेज होगी खुद ही, कोई आपको ना मतलब कहीं भी आप लगवाओ कोई दिक्कत नहीं, कम से कम नॉलेज होगी। ये जो पैनल होता है ना यहाँ से, आप देखो ये निशान आपको दिख रहा होगा दोनों तरफ से, ये पूरा पैनल ये पीछे हट जाता है और ये जो आर्मरेस्ट है ना कुछ इस तरीके से, मैं डाल के भी दिखाता हूँ, ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होता है यहाँ पे अंदर की तरफ। तो ये पूरा कंप्लीट आ चुका है। अब भैया से जानते हैं, भैया कैसे हो आप? बढ़िया भैया। पहले तो भैया ये बताओ, आर्मरेस्ट हमारे पास आ चुका है, आपको चाहिए भी था पर अभी क्यों नहीं लगवा रहे? लेट वेट हो गया है या बजट का कोई इशू है? अभी लेट हो रहा है, लेट हो रहे हैं इसलिए नहीं लगवा रहे। बाकी भैया ये तो नहीं है कि मैंने कुछ ऐसा बोला कि भैया अभी नहीं मिल पाएगा, नहीं लग पाएगा, लग जाएगा प्रॉपर बोला मैंने आपको, बस अभी नहीं लगवा पा रहे हो, नहीं लगवा रहे हो। दोबारा आओगे लगवाने के लिए? कन्फर्म है? पक्का? वीडियो बन रही है भैया, देख लो। पीछे का मैं आपको दिखा भी दूं भाई, वैसे मैं YouTube पे नहीं दिखाऊंगा, YouTube पे नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है कॉपीकैट बहुत लोग हैं। आपको मैं बता दूं, पीछे अंदर आगे से लेके पूरा पीछे तक ना एसी का जो इसका वॉल ओवर आता है ये वाला, ये देखो भाई मैं उसका भी काम कर रहा हूँ, उसका भी ना लगा पड़ा हूँ ये वाला। ये देखो इसमें ना सिर्फ ये आर्मरेस्ट, दो आर्मरेस्ट आते हैं बलिनो के, दो आर्मरेस्ट आएंगे, एक तो आएंगे नॉर्मल एसेसरी वाला जैसे पुरानी बलिनो का भी आता है, और ये भाई ये कौन सा है, ये जैसे टॉप मॉडल में देखने को मिलता है ना आपको, ये देखो पूरा आपको पूरा ये बटन वगैरह हर चीज आपको यहाँ पे कंट्रोल दिख रहे हैं। ये देखो ये नीचे ऊपर आप करना चाहो ये नीचे ऊपर कर सकते हो हर चीज। तो ये जो है ना ये एसेसरी वाला नहीं है, ये टॉप मॉडल वाला पूरा है। तो ये इसमें पीछे जो है एसी का पूरा इवेंट पूरा चालू हो जाएगा आपको। अब चलते हैं थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम सुनते हैं और उसके बाद चलेंगे भैया की तरफ कैसा सारा। तो भाई यहाँ पे अपना एनसीएस सॉन्ग चल चुका है और एक बार सुनाता हूँ किस तरीके से पूरा धमाका आपने सुना होगा, जो पीछे 1500 वाट लगा हुआ है ना, 4 चैनल एम्पलीफायर लगा हुआ, वो सारी चीजें। अब थोड़ा सा भैया से जानते हैं कि भैया कैसे हैं आप? बड़े भाई। क्या नाम है भैया आपका? विकास सिंह। विकास भैया कहाँ से आए थे आप? रिठाला। रिठाला सेक्टर 5। रिठाला सेक्टर 5 से स्पेशली आप करोलबाग आए थे हमारे पास आप पूरी गाड़ी में काम कराने के लिए। हाँ भाई, करोलबाग स्पेशल आपकी दुकान पे ऑटो यूनिक पे। क्या बात, आपकी वीडियो देख के आया था। अरे क्या बात है, मतलब बिना पूछे बता दिया आपने कैसे आपको पता लगा सब चीजें। क्या बात है, सच में मुझे प्राउड फील होता है आप लोग आते हैं ना और कहते हैं कि आपकी वीडियो देख के आए थे। अच्छा भैया, मतलब रिठाला से कितना टाइम लगता है यहाँ पे आने में? लगभग सुबह से आओगे तो आधा घंटा से मुश्किल लगेगा। आधा घंटा मतलब इस टाइम आओगे तो भाई घंटा भर तो घंटा भर भीड़ वगैरह ज्यादा आपको मिल जाती है। अच्छा भैया, मतलब जो चीज आप सोच के आए थे सीट कवर से लेके पूरा म्यूजिक सिस्टम से लेके नेक्सा ओरिजिनल चीजों से लेके, वो चीजें भैया सब मिली आपको यहाँ पे? पहले मिलना इम्पोर्टेंट है, काम तो बाद में इम्पोर्टेंट है क्योंकि नई गाड़ी आई है, और मिलना जो है ना, मिलना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। मिली है भैया आपको? हाँ भाई, ए टू जेड सारी चीज मिली, सब चीजें जो आप चाहते थे और जो चीजें आपने गाड़ी में लगवाई है वो सब ओरिजिनल मिली है, और एक दो चीज छोड़ गया जो अभी नहीं थी अवेलेबल उसके चक्कर में वो लगवा ली। जैसे एसी इवेंट जो है अभी भैया का वो चालू नहीं हो पाया है, उसमें कुछ है जिसका हम जुगाड़ कर रहे हैं, मतलब जुगाड़ का मतलब मंगवा रहे हैं, जुगाड़ ही नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं और वो आ जाता है, उसके बाद पूरा 100% एसी इवेंट आपका पीछे चालू होगा। और भैया दूसरी चीज, उस दिन भी थोड़ा सा रात को लेट हो गया था जब आप चले गए थे, उस दिन से के और आज तक आप सेकंड टाइम आप आए हो, मतलब पूरा पहले तो आप हमारा बिहेवियर बताओ, मैंने देखता हूँ कई बार ये पहले तो कैसा बिहेवियर लगा और प्लस काम था? बिहेवियर बंदे का भाई बढ़िया है, और जो चीज मेरी कमी थी वो तुरंत की तुरंत चेंज कर दी गई, और
जो मतलब होना चाहिए वैसे व्यवहार सभी का भी है यहाँ पे पूरा आपको मिलेगा। इसके बाद काम में जैसे अभी आपने सीट कवर देखा, आप बैठे भी हैं, उस दिन से आप यूज भी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम भी हो गया पर यूज भी कर रहे हैं, बाकी मैट वगैरह जितनी चीजें लगी सब में अगर रेटिंग की बात करें तो 10 में से कितनी रेटिंग देंगे आप? सीट कवर तो बढ़िया बढ़िया है भैया। कितनी गारंटी मिली आपको इसकी? दो वैसे आपने इसकी बताई थी लाइफ टाइम, लेकिन मैं जो कहूँ लाइफ टाइम तो किसी की नहीं होती है, 3-4 साल 5 साल निकल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो 5 साल में भी ना 1800 दिन होते हैं, अगर 1800 दिन में आप अगर 1000 दिन भी गाड़ी चला रहे हो या 700 दिन भी गाड़ी चला रहे हो ना, 700 दिन एक कपड़े की गारंटी लेके जा रहे हो, कोई मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, है ना। तो रियली में बहुत अच्छा लग रहा है जो भैया सब चीजें बता रहे हैं। बाकी भैया पूरे सेटिस्फाई हैं ऑटोनिक से, जितना काम आपने कराया सब चीजों से? हाँ, कह के कर रहे हैं जो काम है, अगर जो पार्ट है वो है, नहीं है तो नहीं है, जबरदस्ती की कोई नहीं है कि भाई ये लगवा लो वो लगवा लो, भैया जो मांगोगे वो मिल जाएगा। बहुत बस हाँ, थोड़ा पूछ कर आना, समय लेकर आना, समय लेके आना जरूरी है, समय लेके आना। नहीं है कि मैं आपको बता दूं, देखो अभी हम इस बलिनो में बैठे हैं भैया की, सामने की तरफ दिखा दूं, ये बाहर अभी देखो ये अभी बेस मॉडल ही बलिनो लगी हुई है। तो देखो अगर आप थोड़ा सा समय लेके आते हो ना तो ये होता है काम जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। भैया को थोड़ा सा टाइम लग गया था उस दिन, मैं खुद भैया को बोलूंगा, क्योंकि उस दिन काफी सारा काम था भैया का, काफी सारी गाड़ियां भी ज्यादा आ गई थी। तो आप जब टाइम लेके आओगे ना तो टाइम से प्रॉपर सारा काम होगा, कोई इशू नहीं होगा। तो कॉल करके, अगर कभी कॉल नहीं मिलता शाम को 7-8 बजे की बात, आप कॉल कर लो या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, जरूर आपके पास रिप्लाई आएगा या जरूर कॉल बैक आएगा। अगर मिस कॉल भी आपने छोड़ी है, चाहे रात को 1 बजे आए तो जरूर आएगा आपके पास। बाकी भैया पक्का सच में सेटिस्फाई है, जो लोग आपको देख रहे हैं कह सकते हैं कि सेटिस्फेक्शन से पूरी बॉडी में पूरी गाड़ी में काम करवाओगे ना तो पैसा लगेगा। ये मतलब सोच रहा है कि 50,000 में पूरी गाड़ी का काम हो जाए? नहीं, बिल्कुल सही बात बोला। जो आप प्राइस मांगोगे उस प्राइस से काम होगा, चाहे आप कैसे कहा है कि लो क्वालिटी का काम करो तो उसके हिसाब से, और हाई क्वालिटी जेनुइन पार्ट के चक्कर में हो जेनुइन पार्ट पे मिलेगा। मैं आपको बता दूं हमारे इसी चैनल पे हमने 20,000 में भी काम किया, 50,000 में भी काम किया है। और भैया से पूछते हैं आपने टोटल कितने पैसे पे किए? भाई मैंने दिया है 1,25,000 तो पर जा चुका है। 1,00,000 आज मिला के अगर जोड़ोगे आप ORVM से लेके पूरा सिस्टम वगैरह डैम्पिंग वगैरह सब कुछ लेके 1,25,000 से ऊपर भैया खर्च कर चुके हैं। अब एक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है ना वो भैया से पूछूंगा, भैया के पास गाड़ियां और भी है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम है गाड़ी के फील्ड में, भैया ऑलरेडी डीलर है, ठीक है, तो कोई छोटी मोटी फर्म नहीं है, अच्छी खासी फर्म है भैया हमारी। भैया प्राइसिंग कैसी लगी आपको, जो आपको प्राइसिंग मिली हर एक चीज की कैसी लगी भैया? जहाँ डिस्काउंट करा उन्होंने खूब करा अपनी तरफ से, जितना भी मेरा होना चाहिए था उतना करा जी भैया। अब भाई अब जो जेन्युइन चीज है उससे नीचे कैसे जा सकते? मैं आपको बताऊं जेन्युइन चीज आप कंपनी से भी लगवाओगे ना, कंपनी में भी एक सिंपल सा फंडा मैं अभी सुन रहा हूँ निकाला है कि अगर आप 10,000 का सामान लगाओगे तो 3% डिस्काउंट है, अगर आप 30,000 का लगाओगे 5% डिस्काउंट है, अगर आप 80,000 तक जाओगे सामान में 10% डिस्काउंट है। तो सेम यही फंडा होता है भाई अपना भी, मेरे पास मैं आपको बताऊं मेरे पास जितने की गाड़ी है लगभग 7-8 लाख रुपए की, उतने का सामान एक बार में उतरता है, तो हमको डिस्काउंट मिल जाता है, इसलिए जो हो सकता है 15%, 20%, 25% तक डिस्काउंट कर देते हैं। तो भैया को भी सेम वही चीज डिस्काउंट मिला था भैया आपको? MRP से मिला था पक्का भैया? जो लोग देख रहे हैं वो जेन्युइन पार्ट है उन पर डिस्काउंट है, जो इनके हाथ में उस पर डिस्काउंट है, बाकी भाई देखिए सीट कवर में आपको एक चीज बताऊं अपना बनता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब पता है धागा लेबर कपड़ा सुई धागा मशीन, इसके बाद फोम से लेके अस्तर तक हर चीज अपना है। तो अपना जब खेत में उगता है ना तो उसका रेट आपको पता है किस हिसाब से होता है, तो जो बेस्ट प्राइस है ना, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ ऐसे नहीं कुछ भी, जो बेस्ट प्राइस है वो आपको ऑटोनिक देने के लिए तैयार है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, आप किसी से काम कराइए, ऑल ओवर इंडिया कह रहा हूँ किसी से भी, पर एक बार ऑटोनिक पे पता कर लीजिए कि है क्या चीज, किस रेट में, किस क्वालिटी में सब चीज है। तो थैंक यू सो मच भैया ने पहले इतनी कहीं काम करवाओ जी भैया, पैसे लेकर चलो तो यहाँ जरूर आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आ जाइए आप और एक बार सिर्फ देख लीजिए, समझ लीजिए, आपकी मर्जी है आप कहीं भी काम कराइए, आपके ऊपर पैसे हैं भाई, आपकी मेहनत की कमाई है आपके ऊपर, आप कहीं भी खर्च करिए, बस एक बार देख लीजिए समझ लीजिए, और कुछ भी नहीं बोलूंगा। लास्ट में एक चीज बोलूंगा भाई, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपको, बहुत सारी गाड़ियां आ रही है डेली के डेली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत विश्वास कर रहे हो आप, और हम विश्वास पे कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं पर कहीं ना कहीं खड़ी भी उतर पा रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और
इसी चैनल पे और बहुत सारी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके लिए पहले से धन्यवाद बोल के चल रहा हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बेल आइकन जरूर दबा देता हूँ आपको, जिसका बेसब्री से आपका इंतजार था। देखो जो हमारा टॉप मॉडल वाला अमरीश आता है ना, एक्सेसरी वाला नहीं भाई, टॉप मॉडल वाला। ये देखो, इससे आपको पता चलेगा टॉप मॉडल वाला है या नहीं है। नीचे की तरफ देखोगे, नीचे पूरा ये देखो पूरा खुलने वाला आपको सिंपली देखने को मिल रहा है। और नेक्सा जेन्युइन की पहचान, अंदर लोगो है। यहाँ पे पूरा एसी इवेंट आपको मिल जाता है। और ये पूरा आपको अमरीश देखो, हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखो ये जो कंपनी की चीज़ है ना भाई, इसमें आपको हर चीज़, आपको एक एक चीज़ आपको ओरिजिनल देखने को मिलेगी। यहाँ से ही दिख रहा है अंदर, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे नेक्सा जो जेन्युइन का आपको यहाँ पे, ये देखो अंदर के, और अंदर लेके चलता हूँ। ये देखो भाई, नेक्सा जेन्युइन का पूरा लोगो आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद पीछे की तरफ अगर बात करें भाई, ओरिजिनलिटी की पहचान और टॉप मॉडल वाला है या नहीं भाई, हैवी इतना ज़्यादा है, हाथ में नहीं उठ रहा है यार एक हाथ से। ये देखो, ये पूरा एसी को चालू ऑन ऑफ करने का, ये पूरा कंट्रोल करने का, इजीली कंट्रोल आप कर सकते हो। यहाँ से आप राइट या लेफ्ट, आप जो जैसा भी करना चाहो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। नीचे की तरफ देखो, जो लाइटर का ऑप्शन आता है, लाइटर का ऑप्शन, हर चीज़ यहाँ पे, कोई छोटी मोटी चीज़ रखने का, एक एक चीज़ आपको अमरीश में मिलने को मिल जाएगी। और यही सारी चीज़ आपको मिल रही है भाई ऑटो यूनिक पे। और पूरी देखो, एक बलिनो यहाँ खड़ी है, बेस मॉडल एक बलिनो वहाँ खड़ी है। ये सारा काम आपको देखने को मिलेगा स्पेशली ऑटो यूनिक पे। अगर बेस्ट तरीके से ओरिजिनल चीज़ें करानी है तो भाई एक बार ज़रूर कांटेक्ट करो। काम कहीं भी कराओ, इंपॉर्टेंट आपके ऊपर है, पर एक बार कांटेक्ट करके जान लो, सब प्राइसिंग जान लो, सारी क्वालिटी जान लो, सिर्फ एक बार।